भारत के प्रधानमंत्री को जो तोहफे दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे या धार्मिक आस्था के सम्मान चिन्ह दिए जाते थे, उनको पुराने प्रधानमंत्री केवल और केवल स्टोर तक सीमित रहते थे और सड़ गल जाते थे बाद में, क्योंकि वो खुद तो ले जा नहीं सकते। वो सारा सम्मान अपने नागरिक तक पहुंचे और उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे काम में लगाया जाए, ये शुरुआत की। लोग अपने घर में उसको सम्मान के साथ सजाएं, इसके लिए उसको भी ऑनलाइन रखा है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं बलविंदर बिट्टू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं कई तोहफे मिले ते कई यादगारी चिन्ह मिले ने ते जिन्हां दी नीलामी होण लगी आ। उन्हां नीलामी दे विच श्री हरिमंदर साहब दा मॉडल भी है जिहदे चलदिआं सिख संगतां दे विच रोस है वी उहदी वी नीलामी कीती जा रही है ते जिहदे चलदिआं हुण श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट करके एक रोस जताया गया। आओ तुहानूं ट्वीट सुणाउंदे आं। इस मुद्दे उत्ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ट्वीट करके बयान दिता गया है। उन्होंने कहा कि मैनू ये जान के गहरा दुख लग्या कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं भेंट कीते सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे पावन मॉडल नूं सरकार बोली विच वेचन जा रही है। ए मॉडल अकाल पुरख अते गुरु साहिबान दी बख्शिश अते आशीर्वाद दे पवित्र चिन्ह वजो भेंट कीता गया सी अते इस नूं निलाम करना इस दा घोर निरादर होवेगा ते इस नाल सिख कौम दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचेगी। इस दे नाल ही सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री साहब नूं बेनती कीती है कि इस नीलामी नूं तुरंत रोकिया जावे। जेकर सरकार अपने आप नूं इस पावन अते अनमुल्ली बख्शीश नूं संभालन तों असमर्थ महसूस करदी है तां उन्हां बेनती कीती कि इस पवित्र चिन्ह नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वापस सौंपण दी कृपा कीती जावे। नाल SGPC दे प्रधान हरजिंदर सिंह ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਗਿਫਟ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਥੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਔਰ ਸੜ ਗਲ ਜਾਤੇ ਥੇ ਬਾਅਦ ਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। मैं इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने वो सारे तोहफे, वो सारा सम्मान अपने नागरिक तक पहुंचे और उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे काम में लगाया जाए, ये शुरुआत की। हालांकि सिख धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। श्री दरबार साहब का मॉडल हमने कभी बनने में नहीं दिया, दिल्ली में बनाने की कोशिश की, हमने उसको भी खत्म कर दिया, लेकिन सम्मानपूर्वक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको सम्मानित चिन्ह लोगों को देती है। प्रधानमंत्री जी को भी जो ये सम्मान चिन्ह मिला, प्रधानमंत्री जी ने उसको भी लोगों तक पहुंचे, लोग अपने घर में उसको सम्मान के साथ सजाएं, इसके लिए उसको भी ऑनलाइन रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं और सिखों को अपील भी करता हूं उसका। मैंने भी अभी तक 2,01,000 तक की मेरी भी बिड है। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे सम्मान अपने घर में लें, चाहे जिस भी धर्म से हैं, उसमें राम मंदिर भी का भी सम्मान चिन्ह है, उसमें राम दरबार का भी, सब जगह का है, आपको भी लेना चाहिए और ये अच्छी बात है, हमारे घर में सजेगा और हमारी शान को बढ़ाएगा। हुण वेखना होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वालों श्री हरिमंदर साहब के मॉडल को अपने घर के रखा जाता है या वापस कर दिया जाता है, तो आना समय दसेगा। कैमरामैन शंकर देना, मैं बलविंदर बिट्टू, तुम देखते रहो D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हाँ, सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगी हर पहलू ते रोज चर्चे,
खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।